आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुम्हें शांति मिले में। दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों आज का विषय है उत्तम भाग का चुनाव कीजिए। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 41 और 42 आयत। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है। दोस्तों आज हमें बहुत सी सांसारिक बातों की चिंता रहती है और इस सब चिंताओं में कहीं हम उस उत्तम भाग को खो तो नहीं रहे जिस उत्तम भाग को मार्था ने खोया था और मरियम ने पाया था। क्योंकि एक विश्वासी को प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में समय बिताना बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करना आवश्यक है, क्योंकि इसी में मसीह जीवन की सफलता और परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषें हैं। दोस्तों हम जानते हैं मार्था और मरियम दो बहन थी। मार्था प्रभु की सेवा टहल करती थी, परंतु मरियम सब कुछ भूलकर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन सुना करती थी। इसलिए प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, मार्था मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। दोस्तों मार्था ने उस उत्तम भाग को खोया था जिस उत्तम भाग को मरियम ने पाया था। दोस्तों वैसे ही कहीं आज हम भी मार्था के समान कहीं उस उत्तम भाग को खो तो नहीं रहे हैं? ये बात सत्य है। आज हम अपना वक्त वहां दे रहे हैं जहां से हमें कुछ प्राप्त न होगा। हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का है, लेकिन आज हमने परमेश्वर के पहले स्थान को अंतिम स्थान बना दिया है। वक्त मिला तो प्रार्थना कर ले, वक्त मिला तो बाइबल पढ़ ले, वक्त मिला तो रविवार को संगति में चले गए। दोस्तों आज परमेश्वर हमसे दूर नहीं, परंतु हम परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए आज हम नाना प्रकार की बीमारियों से, चिंताओं से, परेशानियों के बोझ से दबे हुए हैं। धन पर आशीष नहीं, जीवन में सफलता नहीं, कंगालपन, बेरोजगार, संतान होने के बाद भी संतान का सुख नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, मन में शांति नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान नहीं, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। जिस जीवन में परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, उस जीवन में परिवार में दुष्टात्मा का वास है और अंधकार ही अंधकार है। इसलिए आवश्यक है परमेश्वर के निकट आना, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना, प्रतिदिन उसके साथ संगति करना, उन्हें हृदय में आदर देना। इसी प्रकार हम जीवन जिएंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे और जैसा प्रभु चाहे वैसा चलेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान रहेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पे बहुत आय से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।